ये परवल की बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार है। इस तरह से बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिटी जूम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बनाएंगे आज परवल को भर के इसका सब्जी। इस तरह से छील के धो के साफ करके और पूरा इसको खाली कर लीजिए। ये इसका बीज है, खाली किया हुआ परवल का। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और ये धनिया की पत्ती है, सबको काट के पीस लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही पीस लेंगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और धनिया की पत्ती है, सबको डालिए, पीस लेंगे जार में। और इसी में डालिए ये परवल का बीज और सबको थोड़ा सा मोटा ही पीस लीजिए। ये है थोड़ा सा पचफोरन। अब डालिए इसमें ये मसाला। अब इसमें डालिए नमक। हल्दी पाउडर, अब इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। यह है मिक्स सब्जी मसाला। थोड़ा सा डालिए गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी, और मसाला को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, फ्लेम को कर लेते हैं और इस परवल में भर लेंगे। इसी तरह से सभी में भर लीजिए और बहुत ज्यादा ठूस ठूस के मत भरिए। ये इस तरह से सभी परवल को भर लीजिए और इस बर्तन को पानी से एक बार धो लेंगे, फ्राई करने में अच्छा होगा। अब इसमें डालिए तेल, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, यह है सरसों का तेल। अब डालिए सभी परवल इसमें और इसमें डालेंगे हल्का सा नमक और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाइए। अब यह परवल की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। फ्लेम ऑफ कर लीजिए।